हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपकी यूट्यूब चैनल का 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट हो चुका है तो आप जो मोनेटाइजेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है आप लोगों की वजह से। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अभी बात करते हैं, मैंने अपने यूट्यूब चैनल को कैसे अप्लाई किया था, यूट्यूब चैनल के यानी मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए कैसे क्या किया था, उसके बारे में चलिए इस वीडियो में बात करेंगे और मैं आपको सबको डिटेल में बताऊँगा। तो इधर मैंने अपने क्रोम ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हुआ है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने यूट्यूब को ओपन करना है। यूट्यूब को ओपन करने के बाद दोस्तों, आपको यूट्यूब में अपने उस आईडी से लॉगिन हो जाना है जिसमें जिस आईडी में आपका जो यूट्यूब चैनल है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपने यूट्यूब को ओपन करता हूँ। मैंने अपने यूट्यूब को ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब में जो है उस आईडी से लॉगिन भी हो चुका हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल का आईडी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको साइड में लोगो दिखाई दे रहा होगा, जो एक आइकन दिखाई, बेल आइकन है, उसके बाजू में ही मेरा जो लोगो का आइकन है। तो आपको उस आइकन यानी कि जो आपका लोगो आइकन है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो क्रिएटर स्टूडियो का ऑप्शन है, आपको वहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए वहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो यूट्यूब चैनल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा जो चैनल का सब्सक्राइबर यहाँ पर आपको दिखाई होगा, उसके नीचे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी मेरे चैनल के डिटेल हैं वो सारे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे यानी कि आपके भी यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक डॉलर के जैसे आइकन मिलेगा, तो आप जैसे उस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जो ऑप्शन यानी कि जो मोनेटाइजेशन पेज का ही दोस्तों ऑप्शन है, जैसे आप उस डॉलर के आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको जो ऑप्शन है आपको एक मोनेटाइजेशन पेज पे लेके चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैं आपको अगर दिखाऊं, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे जो सब्सक्राइबर और जो वॉच टाइम है दोनों कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक बार और धन्यवाद बोलना चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया इसके बारे में मुझे। तो अभी चलिए बात करते हैं यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है, अगर आपके भी यूट्यूब चैनल के जो सब्सक्राइबर और जो वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाते हैं तो आप भी कैसे जो मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, चलिए अभी बात करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखोगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, तो आपको जो उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको तीन स्टेप दिखाई देंगे। पहले स्टेप में रिव्यू पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स कंडीशन है, उसके बाद दूसरे में जो आपको गूगल एडसेंस में कैसे साइन इन करना है, तीसरे में जो आपको अपने चैनल को रिव्यू के लिए कैसे भेजना है। तो चलिए फटाफट तीनों स्टेप को हम लोग जो है एक एक करके जो सॉल्व करते हैं, कैसे क्या करना है वो सारा चीज़ आप इधर पर देखिए इस वीडियो में ही। तो चलिए पहले हम लोग पहले जो स्टेप है, पहला वाला स्टेप, चलिए पहले स्टेप पे क्लिक करते हैं। नीचे लिखा गया स्टेप पहले वन में स्टार्ट करके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो चलिए जैसे मैं स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो कुछ दिखाई देगा, यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ पहले, तो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मतलब कि आपका जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है वो कंडीशन यहाँ पे जो कुछ भी लिखा गया, अगर आप पढ़ना चाहते हो कि यहाँ पे दोस्तों आपको क्या पूछा गया कि आप जो 18+ यानी आपका जो ईयर है, डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी है, ईयर है आपका 18+ होना चाहिए, वो सारा कुछ इधर पे लिखा गया। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ पे यहाँ पे लिखा गया आई एक्सेप्ट द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म्स, ये तो आपको इस बॉक्स जो है राइट कर देना है क्लिक करके। इसके बाद आपको यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका जो एक्सेप्ट टर्म्स का, ये जो ऑप्शन साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये इनेबल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो उस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर देख सकते हो। तो आपको जो इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका दोस्तों जो स्टेप वन है वो स्टेप वन आपका जो डन हो जाएगा। यहाँ पर इतना काम करते ही बस आपको जो पहले वाले स्टेप में इतना ही काम करना है। आपको जो अपना मतलब कि 18+ आपका होना चाहिए, अगर आपका नहीं है तो आप जो उसको चेंज कर दीजिए ईयर में जाके, यानी कि आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ चेंज करना होता है जहाँ से भी आपको नहीं पता दोस्तों, आप इसके बारे में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जो मेरा पहला स्टेप है मेरा यहाँ पे डन हो चुका है। तो अभी चलिए यहाँ पे दूसरे स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप में आपको जो अपने गूगल एडसेंस में साइन इन करना है, तो मेरा यहाँ पे नीचे देख सकते हो दूसरा स्टेप है गूगल एडसेंस में साइन इन करना है इसमें, और यहाँ पर लिखा गया है साइन अप फॉर गूगल एडसेंस करके। अगर दोस्तों आपका पहले से गूगल एडसेंस बना है तो आप जो यहाँ पर ये एडसेंस बना नहीं सकते हो, और यहाँ पर मैं आपको जो बताऊँगा कैसे आपको जो दूसरे स्टेप में फॉलो करना है, तो आपको जो स्टार्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अभी देख सकते हो लिखा गया, यानी लिखा गया आपके पास या कोई और पुराना वाला गूगल एडसेंस है या आप नया बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन है। तो आपको जो यहाँ पे सिलेक्ट करके डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आपके पास गूगल एडसेंस पहले से ही है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो आई डोंट हैव एनी एग्जिस्टिंग अकाउंट ऐसे करके आपको जो ऑप्शन है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन है तो आपको जो उस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास नहीं है दोस्तों गूगल एडसेंस तो आपको नो वाले पे क्लिक करना है, अगर आपके पास है तो यस आई हैव गूगल एडसेंस अकाउंट ऐसा करके ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है।
उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी YouTube चैनल का आईडी आपके है तो आपको जो उस आईडी पे यहाँ पे जो सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको जो भी आईडी है YouTube चैनल का, आपको आईडी को जो आपको यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो भी है यहाँ पे देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं उस आईडी को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही मेरा जो YouTube एडसेंस यानी Google एडसेंस का यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा सिलेक्ट करते ही। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा मेरा जो चैनल का लोगो है और उसके बारे में यहाँ पे कुछ आईडी उसके बारे में दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे जो यूट्यूब चैनल का जो URL है यानी कि लिंक बोल सकते हैं, और यहाँ पे लिखा गया गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप कुछ चाहिए एडसेंस के बारे में, कुछ मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप जो यहाँ पे यस के ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, यानी कि आपको जो कस्टमाइज कुछ हेल्प यानी कस्टमाइज करने में आपको इसमें कुछ हेल्प चाहिए, तो आप यस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको कुछ हेल्प नहीं चाहिए तो आप नो डोंट सेंड मी यानी कस्टमाइज हेल्प ऐसे करके ऑप्शन, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा गया सिलेक्ट योर कंट्री, तो आपको जो यहाँ पे डॉट है डॉट पे क्लिक करके आपको जो यहाँ पे अपना जो भी कंट्री है आपको उसको सिलेक्ट करना है। तो मेरा इंडिया है, यहाँ पे मैं चलिए इंडिया का कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो इंडिया कंट्री कहाँ पे देखते हैं, इधर पे कई सारा कंट्री आपको मिल जाएगा, तो आपको जो भी कंट्री आपका है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। तो मेरा इंडिया यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है, और नीचे मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है प्लीज़ रिव्यू एंड एक्सेप्ट आवर टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पे आपको जो कुछ भी लिखा गया है दोस्तों, आप उसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, और आप यहाँ पे पढ़ने के बाद आपका जो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जो यानी कि पेज है आपके टर्म कंडीशन यानी कि जो भी यूट्यूब का कंडीशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारी कुछ लिखा गया है पेमेंट के बारे में, यूट्यूब यानी गूगल एडसेंस का जो भी मतलब डिटेल होता है वो सारा कुछ इधर पे लिखा गया है गूगल एडसेंस के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो आप नीचे आओगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पे आपको जो कुछ ऑप्शन दिखा देंगे। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे और नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखोगे यस आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट, यानी कि जो आपका लिखा गया है कि आपने जो पढ़ लिया है, तो आपको जहाँ पे यस पे क्लिक करके यहाँ पे जो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो जो आपको यहाँ पे अगला पेज यहाँ पे जो आपका ओपन हो जाएगा गूगल एडसेंस का, यहाँ पे अभी आप देख सकते हो आपको थोड़ा सा लोडिंग कर रहा है मेरा। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से अभी आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपको अभी गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको जो गेट स्टार्टेड का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अभी आप देखोगे कि लिखा गया पेमेंट एड्रेस डिटेल, यानी आपको जो भी पेमेंट एड्रेस डिटेल डालना है आपको यहाँ पे सब कुछ जो है डालना है। तो पहले लिखा गया कस्टमर इन्फो, और यहाँ पे नीचे लिखा गया अकाउंट टाइप, यानी कि आपका जो अकाउंट है किस टाइप का है, आपका खुद का है या आपका बिजनेस अकाउंट है। तो यहाँ पे आपको खुद का है तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो आपको नेम एंड एड्रेस यानी कि आपका जो नाम है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका वो नाम डालना है जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड जो भी ऐसा आईडी आपका कुछ आईडी है आपका पर्सनल का जो भी आईडी है आपको उस पर जो भी नाम है आपको वो नाम यहाँ पे डालना है। और यहाँ पे आपका जो आईडी में जो भी एड्रेस दिया गया आपको वही एड्रेस डालना है। और दोस्तों एड्रेस के साथ में आपको यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल देना है, सब कुछ आपको इतना डिटेल डाल देना है। चल मैं यहाँ पे फटाफट एक एक चीज़ यहाँ पे जो है डाल लेता हूँ, अपना नाम डाल लेता हूँ यहाँ पे मैं, और अपना यहाँ पे एड्रेस डाल लेता हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ आगे आपको यहाँ पे करना क्या है। यहाँ पे आपको दोस्तों अपना एड्रेस जब आप लिख के हो जाएगा आपका सब कुछ जो भी आपका जो पिन कोड है कंट्री कोड जो कुछ भी है आपको सारा जो लिखने के बाद आपका हो जाएगा, तो उसके आगे आप जो डैश करके अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर करके आप अपना नंबर डाल दीजिएगा, ताकि आपको जो पिन आएगा गूगल एडसेंस का तो आपको जो वहाँ पे अपने गूगल एडसेंस का पिन आने में आपको जो थोड़ी मदद मिल जाएगी। जो भी पोस्ट जहाँ पे जहाँ से भी पोस्ट होके आएगा तो आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर की वजह से आपको जो थोड़ा जल्दी मिल जाएगा जो आपका पिन है। अब यहाँ पे मैंने सब कुछ फिल कर लिया दोस्तों। यहाँ पे अभी आप देखोगे तो आपको जो कुछ नंबर पूछा यानी कि आपका जो नंबर है ऑप्शनल में है, आप नंबर डाल भी सकते हो नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे नीचे आपको जो कुछ सबमिट करके ऑप्शन मिलेगा, सब कुछ आपको भरने के बाद जो भी एड्रेस और नेम जो कुछ भी देगा भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो यहाँ पे लोडिंग करेगा कुछ टाइम तक। लोडिंग करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको लिखा गया है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ टाइम तक वेट करना है। वेट करते ही दोस्तों आपको जो ये पेज है अपने आप ही जो है अपने मोनेटाइजेशन वाला जो यूट्यूब का मोनेटाइजेशन पेज है आपको वहाँ पर लेके चला जाएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो मोनेटाइजेशन पेज पर आ चुका है। और मेरा यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो दूसरा स्टेप यहाँ मुझे कुछ मैसेज भी आ चुका है यानी गूगल एडसेंस का जो भी मैंने इधर फिल किया हुआ। और यहाँ पे दूसरा स्टेप देखोगे मेरा जो प्रोग्रेस में चला गया है, यानी कि जो मेरा दूसरा स्टेप अभी मेरा प्रोग्रेस में है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा वेट करना होगा जितना भी दिन लग सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया दोस्तों कुछ दिन के बाद आपका जो गूगल एडसेंस क्रिएट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ दिन इंतजार किया था दोस्तों, मुझे लग गया था लगभग यहाँ पे जो है दो दिन लग गया था। दो दिन के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे कुछ मेल भी आया था, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा जो दूसरा स्टेप मेरा डन हो चुका है।
दूसरा स्टेप भी मेरा दोस्तों यहाँ पे डन हो चुका है, दो दिन बाद हुआ था। और यहाँ पे तीसरे स्टेप में बात करें तो मेरा जो चैनल इधर पे दिखा रहा है इन प्रोग्रेस, यानी कि जो मेरा चैनल दोस्तों रिव्यू के लिए चला गया अभी। तीसरे स्टेप में आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको पहला स्टेप जो फॉलो करना है, दूसरा स्टेप करना है, और जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताया वो सारा चीज़ करना है। इतना करने के बाद आपको जो तीसरा स्टेप है अपने आप जो रिव्यू में चला जाएगा यूट्यूब को, और आपके चैनल को चेक किया जाएगा आपके चैनल में क्या क्या है, जो भी कुछ अगर आपका सब कुछ ठीक रहेगा, कॉपीराइट नहीं रहेगा, कुछ भी कंटेंट आपका सब कुछ ठीक रहेगा, आपका ओरिजिनल कंटेंट रहेगा, सब कुछ आपका ही क्रिएट किया हुआ रहेगा वीडियो में, सब कुछ आपका ही बनाया हुआ रहेगा, तो दोस्तों आपका जो यूट्यूब चैनल यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मेरा जब मोनेटाइजेशन ऑन हो गया था तब मेरा जो यूट्यूब यानी मोनेटाइजेशन पेज कैसा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी तक मेरा जो यूट्यूब चैनल का यानी कि मोनेटाइजेशन पेज है पहले जैसा ही दिखाई दे रहा है। जब मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था दोस्तों मुझे इसके लिए दो दिन लग गया था लगभग। तो यहाँ पे दो दिन बाद मुझे कुछ मेल आया था कि यहाँ पे आपका जो YouTube चैनल मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया गया है, और यहाँ पे जैसे मैं वापस अपने YouTube चैनल पे आ चुका हूँ, और जैसे यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, वेलकम टू YouTube पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि जो मेरा कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द YouTube पार्टनर प्रोग्राम, यानी कि मेरा जो YouTube चैनल मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया गया है। और यहाँ पे जैसे मैं अपने मोनेटाइजेशन पेज पे आता हूँ, यानी कि जो डॉलर वाला आइकन है ऑप्शन है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं अपने यहाँ पे आता हूँ चैनल मोनेटाइजेशन पेज पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों मेरा जो YouTube चैनल मोनेटाइजेशन कर दिया गया है। पहले ये मेरा पेज जो कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा था, अभी आप देख सकते हो मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद मेरा कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे यानी कि मेरा जो इधर पे लगभग एक हफ्ते तक लग गए थे चैनल को मोनेटाइज करने में। तो आप यहाँ पे देखिए आपके चैनल में अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है तो आपको जो जल्दी हो जाएगा, मेरे चैनल में बीच में कुछ प्रॉब्लम पड़ गया था इसके लिए मुझे जो एक हफ्ते के आसपास टाइम लग गया था। तो इसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तभी जो मेरा यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन हो पाया है। तो यही मैं आपको जो बताना चाहता था, जो मैंने आपको इस बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया। तो चलिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।